الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. हम लोग सही मुस्लिम में किताब अल अक्ज़िया की हदीसें पढ़ने जा रहे हैं. इससे पहले हम लोग किताब अल इमारा की हदीसें पढ़ रहे थे और उसमें चंद अबवाब बच गए हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से, अब चूँकि रमज़ान करीब आ रहा है, आप लोगों का इम्तिहान करीब आ रहा है, इस वजह से उसमें चंद जो अबवाब रह गए थे वो बहुत ज़्यादा अहम नहीं थे. इस वजह से उनको छोड़ करके अब चंद और किताबें पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें से अब किताबुल अक़्ज़िया शुरू किए हैं. किताबुल अक़्ज़िया ये क़ज़ा की किताब है. क़ज़ा की जमा है अक़्ज़िया. क़ज़ा के माने होते हैं फ़ैसला करना. क़ज़ा के माने फ़ैसला करना, उसी की जमा है अक़्ज़ियतुन, फ़ैसलों वाली किताब. यानी इसमें फ़ैसले कैसे किए जाएंगे उसके सिलसिले में बहस की जाएगी. यानी क़ाज़ी की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं. आप लोग जानते हैं कि इल्म शरा पढ़ने वालों के लिए बहुत सारे मजालात होते हैं, जिनमें से एक लोगों के दरमियान फ़ैसला करने का भी मजाल होता है, मैदान होता है, जिसे आप ला की पढ़ाई कह सकते हैं, कानून की पढ़ाई. तो कानून दानों के लिए कुछ बुनियादी उसूलों का जानना ज़रूरी है. वो बुनियादी चीज़ें इन हदीसों में मौजूद हैं जिन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं, कि अगर कोई मामला आए किसी के सामने तो उसमें इन बुनियादी चीज़ों को वो ज़रूर जाने और उसके बाद वो फैसले सादिर करें. ठीक. असल क़ज़ा के माने होते हैं काटना, ख़त्म कर देना. तो गोया कि ये झगड़े को ख़त्म कर देता है. क़ज़ा ये झगड़े को ख़त्म कर देता है, ख़त्म मिटा देता है, इसीलिए इसको क़ज़ा कहा जाता है. इसी की जमा अक़्ज़िया है. यानी झगड़ों का निपटारा करना, झगड़ों को मिटा देना, झगड़ों को काट देना, ख़त्म कर देना. देखें, इसमें यह है कि दो लोग मिसाल के तौर पर झगड़ा कर बैठे, अब उसके बाद किसी माल के सिलसिले में, किसी और चीज़ के सिलसिले में, उसके बाद एक आदमी आया और उसने कहा कि ये माल मेरा है, ये माल मेरा है, इसने ले लिया है. तो अब कैसे आप फैसला करेंगे कि इसका माल है या जिसके पास है उसका माल है. उस सिलसिले की देखें हदीस. अभी हमने जो हदीस पढ़ी इस सिलसिले में वो ये है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: लौ युअता अन्नासु बिदअवाहुम, अगर लोगों को उनके दावे की बुनियाद ही पर दे दिया जाए, लोग अगर दावा करें और दावा कर लें कि फला शख्स के पास जो चीज़ है वो मेरी है, और उसके बाद उस चीज़ को उससे छीन करके दावा करने वाले को दे दिया जाए, तो कहा गया लौ युअता अन्नासु बिदअवाहुम, अगर लोगों को उनके दावे की बुनियाद पर दे दिया जाए, लदअ नासुन, तो दावा कर लेंगे कुछ लोग, तो कुछ लोग दावा करेंगे, दिमा रिजालिन व अमवालहुम, कुछ लोगों के खूनों और मालों का, कुछ लोगों के खूनों और मालों का भी दावा कर बैठेंगे. माल का दावा तो समझ में आता है कि किसी का माल है, इस सिलसिले में दावा कर लिया जाए कि वो माल मेरा है. खून का दावा कैसे कर लेंगे? यानी वो दावा कर लेंगे कि इस शख्स ने हमारे फला आदमी को कत्ल किया था, लिहाजा इस पर दियत वाजिब है, और लाए 100 ऊँट दे, या अगर नहीं देता है तो किसास से लिया जाएगा, 100 ऊँट अगर नहीं देता है तो इसको कत्ल किया जाए. तो लोग खून का दावा कर लेंगे, यानी किसास मांगने लगेंगे. इसी तरह से दूसरे के माल का दावा कर बैठेंगे, तो उसके लिए कुछ उसूल ज़ाब्ते होने ज़रूरी हैं. तो आपने फरमाया लौ युअता अन्नासु बिदअवाहुम, अगर लोगों को उनके दावे की बुनियाद पर दे दिया जाने लगे, लदअ नासुन, तो कुछ लोग दावा कर बैठेंगे, दिमा रिजालिन व अमवालहुम, कुछ लोगों के खूनों का, तमन की जमा दिमा उन है, लोगों के खूनों का, वह अमवालहुम, और उनके मालों का. लेकिन ये दावे ऐसे ही कबूल नहीं किए जाएंगे. वलाकिन अल्यमीन अलल मुद्दा अलैह, लेकिन जिसके खिलाफ दावा किया गया है उससे कसम खिलाया जाएगा. जिसके खिलाफ दावा किया गया है उससे कसम खिलाई जाएगी कि वो कसम खाए कि ये इसका है या नहीं है, उस आदमी का ये है या नहीं है. यानी मिसाल के तौर पर मैंने दावा किया कि आपके जेब में जो कलम लगा हुआ है वो मेरा है, आपके जेब में जो कलम लगा हुआ है वो मेरा है, आपका कलम जो आपके जेब में है वो मेरा है. इसमें झगड़ा बढ़ा, हम काजी के पास पहुँचे, आप कह रहे नहीं है तो मेरा है, मेरे जेब में लगा हुआ है, और मैं कह रहा हूँ नहीं मेरा है. मैं अगर अपनी दलील पेश कर ले गया,
दलील पेश कर ले गया, दो गवाह दे ले गया कि हाँ ये कलम मेरा है, मैंने इनको दिया था और इन्होंने हड़प कर लिया है, तो ऐसी सूरत में मेरे सिलसिले में तो फैसला कर दिया जाएगा अगर दो गवाह पेश कर ले गया। लेकिन अगर दो गवाह नहीं पेश कर सका, मेरे पास दलील नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर आपसे छीन करके ऐसे मुझे नहीं दे दिया जाएगा, ऐसे छीन करके नहीं दे दिया जाएगा, आपसे कसम खिलाई जाएगी कि आप कसम खाएं कि आपका है। आपने अगर कसम खाने में आगे पीछे किया, हिचकिचाहट दिखाई, तो ऐसी सूरत में फिर काजी फैसला कर देगा कि ये नहीं कसम खा रहा है, इस वजह से मुमकिन है इसका ना हो, और जिसने दावा किया है वो ऐसे ही दावा नहीं किया होगा, इस वजह से उसको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने कसम खा लिया कि नहीं अल्लाह की कसम में मेरा है, उसके पास कोई दलील भी नहीं थी, सिर्फ दावा था, तो फिर वो नहीं पाएगा, वो नहीं पाएगा। आप पे दावा जो किया गया, आपने कसम खा करके गोया कि आप उस चीज को बचा लेंगे, कसम खा करके आप उस चीज को बचा लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये और आगे चीजें आएंगी और दीगर उसूल व ज़वाबित आएंगे, यहाँ पर सिर्फ यही बताया गया है कि ऐसे ही किसी के दावा कर देने की वजह से किसी का सामान छीन करके नहीं दिया जाएगा। या तो वो गवाह पेश करे, गवाह पेश कर ले गया तो ऐसी सूरत में उसको सामान दे दिया जाएगा, दिला दिया जाएगा। लेकिन अगर गवाह पेश करने में नाकाम रहा तो मुजर्रद दावा की बुनियाद पर उसको नहीं दिया जाएगा, इल्ला ये कि जिस पर दावा किया गया है वो कसम ना खाए, वो बस वो भी अड़ा रहे कि मेरा है, लेकिन उसके सिलसिले में उसके पास कोई और दलील तो नहीं है। अगर वो भी दलील ले गया, दे ले गया, तो फिर वाज़ह है मसला उसी का है, ले कि कुछ लोग उसकी तरफ से हों और कहें कि हाँ हमने खरीदते हुए इसको देखा है और इसी का है, इसका दूसरे का इसमें कोई हक नहीं है, तो जिसके पास दलील है उसके सिलसिले में फैसला कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि ना इसके पास दलील है ना उसके पास दलील है, तो उसमें दावा करने वाला अगर दलील नहीं पेश कर सका तो जिस पर दावा किया गया है उससे कसम खिलाई जाएगी, वो कसम खा लिया कि ये मेरा ही है, तो ऐसी सूरत में उसी का माना जाएगा। अगर कसम नहीं खाए तो ऐसी सूरत में फिर दावा करने वाले को चीज दिलाई जाएगी। ठीक, قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا محمد بن مشن النافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه قال لك رسول صلى الله عليه وسلم نے قسم کے ذریعے فیصلہ کیا على المدعى عليه الشخص کے سلسلے میں جس پر دعویٰ کیا گیا تھا اب صلى الله عليه وسلم قسم کے ذریعے اس کے سلسلے میں فیصلہ کیا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زيد وابن حباب قال حدثني سيف بن سليمان قال اخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا قسم اور ایک گواہ کے ذریعے گواہ کتنے چاہیے دو گواہ چاہیے اگر میں دعویٰ کروں کہ آپ کے پاس جو قلم ہے وہ میرا ہے تو میرے پاس دو گواہ ہونا ضروری ہے دو گواہ ہوں جو گواہی دیں کہ ہاں انہی کا یہ قلم ہے میرے سلسلے میں گواہی دیں لیکن دو گواہ نہیں ملے ایک ہی گواہ ہے گواہی کی جو شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں عادل ہے اور ساری جو شرطیں وہ پائی جاتی ہیں لیکن ایک ہی گواہ مل پا رہا ہے دو گواہ نہیں مل پا رہے ہیں تو کیا کریں گے ایک گواہ رہے گا اور ایک میرا قسم ایک میری قسم یعنی میرا قسم کھانا اگر میں نے قسم کھا لیا اور میرے پاس ایک گواہ ہے تو اسی صورت میں وہ چیز میری ہی مانی جائے گی مجھے دلائی جائے گی اس وجہ سے کہ ایک گواہ موجود ہے اور ایک قسم کھا لیا تو ہمارے پاس دوہری دلیل ہو گئی اور جس کے پاس وہ سامان موجود ہے اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے قسم کھانے کے اور اس کے پاس دو چیز ہے دعویٰ کرنے کے والے پاس دو چیز ہے ایک تو گواہ موجود ہے اور دوسرا قسم کھانا ہے تو ایسی صورت میں اس کے سلسلے میں فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ اس کی دلیل گویا کی مضبوط ہو گئی قضا بیمین و شاہد ایک گواہ اور ایک قسم کے ذریعے آپ نے فیصلہ کیا یہ دعویٰ کرنے والے کے سلسلے میں ہے دعویٰ کرنے والے کے سلسلے میں ہے ٹھیک قال وحدثني ابن تميم قال اخبرنا معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر کے آتے ہو یعنی جیسے آپ کو بتایا کہ ایک آدمی قسم کھا رہا ہے کہ نہیں ہے میرا ہی ہے اور ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے اور ایک گواہ بھی لے آیا کہ نہیں میرا ہے ممکن ہے آدمی جھوٹا ہو دونوں جھوٹے ہوں
तो फैसले जो किए जाएंगे वो ज़ाहिरी चीज़ों को देख करके किए जाएंगे, ज़ाहिरी चीज़ों को देख करके किए जाएंगे, लेकिन इस फैसले की वजह से वो उसका माल नहीं हो जाएगा, इस फैसले की वजह से उसका माल नहीं हो जाएगा। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा काजी भी फैसला कर दे तब भी वो उसका माल नहीं होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरे पास लेके आते हो फैसले, और हो सकता है ज़ाहिरी चीज़ों को, ज़ाहिरी दलीलों को देख करके मैं फैसला कर दूँ, लेकिन वो फैसला दूसरे के सिलसिले में हो जिसका हक था उसके सिलसिले में ना हो, तो ऐसी सूरत में पाने वाला जहन्नम की आग पा रहा है, वो अपना हक नहीं पा रहा है। देखें आपने फरमाया इन्नकुम तख्तसिमून इलैया, तुम लोग मेरे पास झगड़े लेकर के आते हो, वलअल्ला बअदकुम अन यकूना अलहना बिहुज्जतिही, वलअल्ला बअदकुम, और हो सकता है कि तुम में से कोई शख्स अन यकूना अलहना बिहुज्जतिही, अपने दलील में ज्यादा चर्ब जबान हो, अलहन ज्यादा अच्छी तरह से बोलने वाला, लहन के माने गलती के भी होते हैं और लहन के माने होते हैं बहुत साफ बोलने वाला, लहन जो अटक अटक कर बोले और लहन जो बहुत साफ बोले, ये अतदाद में से है, एक दूसरे की जिद के मायने में भी इस्तेमाल होता है। तो लअल्ला बअदकुम, और मुमकिन है कि तुम में से कोई शख्स अन यकूना अलहना, ज्यादा चर्ब जबान हो, ज्यादा अच्छी तरह से बोलने वाला हो, बिहुज्जत ही अपने दलील के सिलसिले में, हो सकता है तुम में से कोई शख्स अपनी दलील में ज्यादा चर्ब जबान हो, मिन बअदिन दूसरे के बनिस्बत, दूसरा जिसका माल है वो अपनी बात साबित ना कर पा रहा हो और जिसका माल नहीं है वो ज़्यादा अच्छी तरह से बोल करके अपनी बात साबित कर ले रहा हो, तो ज़ाहिरी दलीलों को देख करके फ़ैसला मैं कर दूँ, फ़अक़्दी लहू अला नहवि मा अस्मउ मिन्हु, तो मैं उसके लिए फ़ैसला कर दूँ उसी तरह से जिस तरह से मैं उससे सुनूँ, फ़मन क़तअ्तु लहू मिन हक़्क़ि अख़ीहि शैयन, तो मैं जिस आदमी के लिए उसके भाई के हक में से कुछ काट करके दे दूं, जिसको उसके भाई के हक में से कुछ दे दूं, यानी उसके भाई के माल में से कुछ दे दूं, यानी जिसके खिलाफ उसने दावा दायर किया है उसका माल लेकर के अगर इसको दे दूं, فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ, तो मैं काट करके देता हूँ उसको, कताए के माने फैसला करना भी होता है और काट करके देना भी होता है, तो मैं उसे फैसला करके देता हूँ या मैं उसे काट करके देता हूँ, क़िताअतन मिनन नार, जहन्नम का टुकड़ा, क़िताअतन माने टुकड़ा, मैं उसे जहन्नम का टुकड़ा काट करके दे रहा हूँ, गोया कि ये ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में तो पा लेगा उस माल को, हड़प कर लिया, लेकिन आखिरत में उसका पूरा हिसाब होगा जब सबसे बड़े सबसे बड़ी अदालत में उसका मामला पेश होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर भी बड़ी जोरदार तंबीह फरमाई है कि आदमी अपनी चर्म जबानी की बुनियाद पर दूसरे के हकूक हड़प करने की कोशिश ना करे, चाहे जितने बड़े कोर्ट में वो उसको पाले तो ये ना समझे कि उसको माल मिल गया, बल्कि वो जहन्नम की आग पा लिया है, दुनिया में भी उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ सकती है और आखिरत में तो उसके लिए जहन्नम का टुकड़ा मौजूद ही है। قال حدثنا ابو بكر بن مشهد قال حدثنا وكيع قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن رمير كلاهما عن هشام بهذا الاسناد مثله ठीक قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن ابي قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना जलबतुन आवाज़ों का मजमूआ, जलबा आवाज़ों का मजमूआ, खस्मिन खस्म माने झगड़ा करने वाले, खस्म ये वाहिद भी है और जमा भी है, तो झगड़ा करने वालों की आवाज़ें आपने सुनी, समीआ जलबता खस्मिन, झगड़ा करने वालों की आवाज़ें आपने सुनी, बिबाब हिजरतही अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर झगड़ा करने वालों की आवाज़ों को आपने सुना, वहाँ पर झगड़ा करते हुए पहुँचे, फ़खरज इलैहिम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास निकल कर गए, फ़काल, और आपने कहा इन्नमा अना बशरुन, मैं भी इंसान हूँ, वइन्नहु यातीनिल खस्मु, और मेरे पास झगड़ा करने वाले लोग आते हैं, फ़लअल्ला बअदहुम अन यकूना अबलग मिन बअद, तो मुमकिन है कि उनमें से कोई शख्स दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा बलीग हो, ज़्यादा बलागत के साथ अपनी बात रख दे, फ़अहसिबु अन्नहु सादिकुन, अहसबो या अहसबो, मैं गुमान करूं, मैं शुमार करूं, अन्नहु सादिकुन, कि वो सच्चा है, मैं गुमान करूं, अहसबो अन्नहु सादिकुन, मैं गुमान करूं कि वो सच्चा है, फ़अक़्दी लहु, और उसके लिए फ़ैसला कर दूं, फ़मन क़दैतु लहु बिहक़्क़ि मुस्लिमिन, तो जिस शख्स के लिए मैं किसी मुसलमान के हक़ का फ़ैसला कर दूँ,
فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ, تو یہ جہنم کا ٹکڑا ہے, تو یہ جہنم کا ٹکڑا ہے. یہاں پر مسلم کی جو تخصیص کی گئی ہے وہ عموم کو دیکھتے ہوئے, کہ عمومی طور پر مسلمانوں ہی کے جھگڑے آیا کرتے تھے, ورنہ کافر کا حق بھی اگر فیصلہ کر دیا جائے کسی شخص کے حق میں جو اس کا حق نہیں ہے, تو وہ بھی جہنم کا ٹکڑا ہی ہوگا پانے والے کے سلسلے میں. فمن قضیت له بحق مسلم, تو اگر میں کسی شخص کے لیے مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں, فإنما هي قطعة من النار, تو یہ جہنم کا ٹکڑا ہے, فليحملها, تو چاہے اس کو اٹھا لے, چاہے اس کو اٹھا کر لے جائے, جہنم کا ٹکڑا میں نے اس کو دے دیا, تو چاہے جہنم کا ٹکڑا لے جائے, او یذرها, یا چھوڑ دے, چاہے لے جائے چاہے چھوڑ دے, یعنی اس کی دلیل کی بنیاد پر اگرچہ میں اس کو دے دوں, تو اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ آگ لے جائے, کیونکہ اچھی چیز نہیں دیا ہوں میں, مال نہیں دیا ہوں بلکہ آگ دیا ہوں, اب چاہے تو آگ کا ٹکڑا لے جائے اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے. اور کون نادان ہوگا جو جہنم کی آگ اٹھا کر کے لے جائے گا؟ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو جہنم کی آگ اٹھانا گوارا کرے گا. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو وارننگ دی ہے کہ اگر وہ لے جا رہا ہے اس مال کو تو گویا کہ جہنم کی آگ ہی لے جا رہا ہے. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن حق قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو ساق قال اخونا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد نحو حديث يونس. وفي حديث معمر قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبات خصم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا کرنے والوں کی آوازوں کو سنا. لجبا جلبا دونوں کے معنی ہوتے ہیں آوازیں, دونوں کے معنی آوازیں, گڈ مڈ آوازیں, یعنی جو واضح نہ ہو, چو 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 کی آواز جیسے ہوتی ہے, تو ادھر بھی وہ بول رہا ہے ادھر بھی وہ بول رہا ہے, تو جو مختلف آوازوں کا مجموعہ ہوتا ہے اسی کو جلبہ اور لجبہ کہا جاتا ہے. ٹھیک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا جھگڑا کرنے والے لوگوں کی بات آوازوں کو, بی باب ام سلمہ, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر یہاں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے پر, یہاں پر ام سلمہ کے دروازے پر, تو بات دونوں ایک ہی ہے, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے, اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہی ام سلمہ کا دروازہ تھا, ام سلمہ کا دروازہ آپ کا دروازہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی, اور وہیں پر یہ لوگ جھگڑا لے کر کے آئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا, بتایا کہ آوازیں زور زور سے پیش کر رہے ہو, اور اسی طرح سے ایک دوسرے سے اپنی بات کو اونچی کر کے اچھے انداز میں پیش کرنے کی گویا کہ جو پریکٹس کر رہے ہو, اس بنیاد پر اگر کسی کے سلسلے میں فیصلہ کر دوں اور اس کا وہ حق نہ ہو, تو گویا کہ اس کو میں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں. ٹھیک, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.